नमस्ते, सिला के रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी और चोखा तैयार करते हैं। लिट्टी तैयार करने के लिए पहले सत्तू को मसाला तैयार करते हैं, उसमें अदरक कद्दूकस कर लेते हैं। उसके बाद अभी सीजन है, मौसम है, सर्दी का मौसम है, इसलिए हरा लहसुन भी मिलता है, तो हरा लहसुन का कद्दूकस माने कटिंग कर लेते हैं महीन से। धनिया पत्ता, लहसुन, हरा मिर्चा, ये सबको महीन से कटिंग कर लेना है। ये आग वाली लिट्टी बनाएंगे, जो आग में हम लोग पकाते हैं वो लिट्टी तैयार करेंगे। वो तो हमारी सासू माँ तैयार करती थी, कभी नहीं बनाए थे, लेकिन आज बनाने जा रहे हैं। बनाती थी तो देखते थे किस तरह से लिट्टी तैयार होता है, लेकिन आज सोचे चलिए आप लोगों के पास बना करके दिखाएं। धनिया हरा मिर्चा कटिंग हो गया, लहसुन कटिंग कर लिए, अब धनिया पत्ता काट लेते हैं, अदरक कद्दूकस किए हैं, पूरा मसाला तैयार करके अच्छे से बनाइएगा लिट्टी तो बहुत टेस्टी लिट्टी लगता है खाने में। आग का लिट्टी तो हींग है, वो एक चुटकी हींग डाल देते हैं। सत्तू ले लिए, काला मिर्च ले लिए, लाल मिर्चा का पाउडर, जमाइन हल्का सा कस के डाल दिए, नमक स्वाद अनुसार, नींबू जो है आधा नींबू उसको निचोड़ देते हैं। सरसों के तेल कम से कम 3 चम्मच 4 चम्मच डाल दिए, और जितना कटिंग किए थे सब अच्छी तरह से हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। कभी मेरे स्टाइल का लिट्टी चोखा बनाकर खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा, लाजवाब है। गेहूँ का आटा है, उसमें 4 चम्मच घी डाल दिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। और पानी के साथ हम दो तैयार कर लेंगे आटा, थोड़ा कड़ाही आटा तैयार होता है, गीला नहीं रहता है। जो लिट्टी आग वाली बनती है उसके लिए आटा जो है, रोटी जो हम लोग बनाते हैं नॉर्मल रोटी, उसे हल्का कड़ा रहता है। देखिए इस तरह से आटा का दो तैयार हो गया। ढक दिए, अब चले हम लोग छत पर, सब लेकर चलते हैं बैंगन टमाटर सब। अब देखिए छत पर क्या करते हैं, आग जो है लोहा का जो बड़ा सा रहता है कड़ाही टाइप का, बस उसमें आग जला दिए। उसमें छोटा सा लकड़ी है और हम लोग इसको गोईठा कहते हैं, अब आप लोग क्या कहते हैं, आपके शहर में क्या कहते हैं वो नाम दीजिएगा। वो गोईठा है, पूरा आग हो गया, तब इसमें पहले बैंगन पका लेते हैं। बैंगन पक जाएगा तो फिर टमाटर पका लेंगे, और तब तक इधर लिट्टी तैयार करते हैं। वो तो हम किचन में दिखाए थे, दो आटा का डो तैयार किए हैं, सत्तू तैयार किए हैं, और सब इधर बैंगन भी पक रहा है, इधर लिट्टी भी तैयार कर रहे हैं। ये जो पूरा आग जो है वो आग को नॉर्मल जब हो जाएगा, पूरा आग ख़त्म हो जाएगा, तब इसमें लिट्टी देंगे। इसीलिए पहले बैंगन जो है उसको हम लोग पका लिए, रात के समय वीडियो बना रहे हैं। देखिए बैंगन पक गया तो निकाल लेते हैं, टमाटर भी डाले हुए थे, टमाटर भी पक गया। इस तरह से आग में पका करके बैंगन और टमाटर का चटनी और आग वाली लिट्टी बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और वो घर में बनाइए तो और टेस्टी लगता है।
अब इसको उलटा करके आग बना रहे हैं क्योंकि अब लिट्टी पकाएंगे। देखिए इस तरह से सब खत्म हो गया, अब आग बचा है, आग में मतलब थोड़ा कम, पूरा आग जब रहता है तो लिट्टी आपका जल जाएगा, इसीलिए इस तरह से आग को हटा हटा करके तब अब इसको उलटाते रहना है। जब तक आपका लिट्टी पक रहा है तब इधर बैंगन का भी चटनी बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इसमें तो झनझन का आवाज़ नहीं है, आवाज़ बंद कर दी है, धीरे धीरे पकेगा, इसमें पक रहा नहीं है। मैंने हम भी बना सकते हैं लिट्टी, तो हमारे जो बड़े हैं तो रही नहीं दुनिया में, सासू माँ है वो लोग बनाती थी इस तरह से तो देखते थे, लेकिन आज हम भी बना लिए, आप लोगों के लिए बनाए। इस तरह से चारों तरफ से हल्का हल्का आग को डाल देंगे तो अच्छी तरह से लिट्टी तैयार हो जाए, पक जाएगा। जिधर आग है ताव है उधर हम लोग लिट्टी को इधर से उधर जिससे आपका लिट्टी जो है बहुत अच्छा से पक जाए। थोड़ा लिट्टी आग में जो पकाते हैं उसको देखना पड़ता है, बार बार उलटाते रहना है। अब बैंगन का चटनी बना लेते हैं। इस तरह से पानी में हल्का सा हाथ डाल करके ऊपर का इतना छिलका है सब हटा देना है। कहेंगे चलिए छाते पर आज खाया जाए बना करके। इसमें झनझन का आवाज़ नहीं है इसीलिए सोचे इसका आवाज़ म्यूटे कर देंगे, अपना लोग बोल सकते हैं। इस तरह से आग में पका कर अगर बैंगन का चटनी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है चटनी। आप लोग अगर बैंगन का आग में पका कर चटनी बनाते हैं तो कैसा लगता है खाने में, कमेंट करके बताइएगा। हमको तो बहुत अच्छा लगता है, इस तरह का चटनी बनाने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। टमाटर का भी छिलका ऊपर से हटा देना है। पूरा गल गया है टमाटर। पहला बार आग में लिट्टी बना रहे हैं, आग का पका हुआ बैंगन टमाटर सब पहली बार है मेरे लिए, कभी नहीं हम बनाए थे आग वाली। बहुत अच्छा से पक गया। अब इसमें धनिया के पत्ता को काट देते हैं, फिर हरा मिर्चा, प्याज पहले से कटिंग करके रखे हैं, फिर लहसुन भी कटिंग करेंगे। इस तरह कभी आपको बैंगन का चटनी बहुत अच्छा लगता है, हरा धनिया है। अभी सर्दी का मौसम है, इस समय आपको हरा धनिया, हरा लहसुन सब मिलता है, तो हरा लहसुन का टेस्ट अलग होता है। आप अगर चटनी में देते हैं या सत्तू में मिलाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। सरसों का तेल डाल दिए, अब हरा मिर्चा कटिंग कर देते हैं।
पूरा वीडियो देखिएगा लिट्टी चोखा का। अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि जितना भी वीडियो डालते हैं सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप सब वीडियो देख सकें। एक बार ट्राई करिएगा मेरे स्टाइल का लिट्टी चोखा। सब प्याज डाल दिए और सब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मेरा तैयार हो गया बैंगन टमाटर का चटनी। अब सब लिट्टी को आग से निकालते हैं प्लेट में। सब पक गया है लिट्टी, देखिए कितना फूल फूल गया है पूरा पूरा पका हुआ। घी है हल्का सा गर्म कर दी, घर का घी है। खराब होगा कि नहीं, कभी नहीं खराब होगा, बातें नहीं समझते हैं। आग वाला में इसको कटोरा में घी डाल देते हैं, ये वाला आवाज रहना चाहिए, गर्म हो जाएगा। अति लिया तो चलते। अब इसको कपड़ा, कोई भी कपड़ा, साफ कपड़ा ले लीजिए और उसमें एक एक करके लिट्टी को पूरा साफ कर लीजिए। ऊपर में धूल, वो क्या कहते हैं जो पकाए ना आग में, तो इसलिए थोड़ा सा गंदा हो जाता है लिट्टी आग के कारण। इसको एक एक करके देखिए कितना अच्छा लग रहा है लिट्टी देखने में, पूरा साफ हो चुका है लिट्टी। इसी तरह सब लिट्टी को साफ कर लेना है। फिर लिट्टी के साथ आप मूली जो है वो भी खाना चाहिए, इसको भी कटिंग कर लेते हैं मूली को। तैयार हो गया अभी खड़ा मिर्चा। अब ये जो घी है इसी में एक एक लिट्टी को डुबाना है। आप ऐसे भी खा सकते हैं, लिट्टी है आग वाला, उसको हाथ से थोड़ा चाप दीजिए तो फूट जाएगा, उसमें घी डाल दीजिए चम्मच से। उस तरह भी खाते हैं जो पूरा ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं, उसके लिए हम लोग इस तरह खाते हैं। लिट्टी को घी में डाल दिए, बस निकाल करके प्लेट में रख लीजिए और एक एक करके घी में डाल लीजिए। इस तरह से प्लेट में जो है सबको निकाल लीजिए। ये बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा, लिट्टी सब खाते हैं लेकिन बिहार के लोग ज़्यादा खाते हैं। अब उसमें थोड़ा सा मूली डाल दिए, एक हरा मिर्चा डाल देते हैं, अब बैंगन का चोखा कहिए चटनी कहिए। देखिए आपका प्लेट जो है वो तैयार हो गया।